कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हड़कंप का माहौल है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के 3 शहर हाई अलर्ट पर हैं। दरअसल इटली से आए संक्रमित शख्स ने 3 शहरों नोएडा, आगरा और बुलंदशहर में यात्रा की थी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए थे। अब इन सभी लोगों को कोरोना का संदिग्ध माना जा रहा है और इन सब का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। बता दें कि अभी तक लखनऊ में 1, आगरा से 6 और बुलंदशहर में 5 संदिग्ध मिल चुके हैं, जिसको देखते ही स्वास्थ्य पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। जिसको देखते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं, ताकि जानलेवा कोरोना वायरस से बचा जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठा ना हो, साथ ही एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं बल्कि नमस्ते करें। बता दें कि सऊदी अरब से लखनऊ लौटे 32 साल के व्यक्ति में शुरुआती लक्षण पाए जाने के बाद उसे लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर आगरा में 6 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले, इस वजह से उन्हें दिल्ली भेजा गया। इसके अलावा पिछले महीने इटली से आए 7 सदस्यों को 14 दिनों के लिए आगरा में ही अपने घर के अंदर रहने के लिए कहा गया। इसी बीच नोएडा के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा सेफ्टी को देखते हुए किया गया। नोएडा में भी 6 मामले सामने आए थे। बता दें कि उन 6 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं डीएम और सीएमओ ने प्रेस वार्ता कर लोगों को जानकारी दी। इस दौरान डीएम ने कहा, स्कूल को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। सैनिटाइज के लिए स्कूल को 3 दिन के लिए बंद किया गया है, उसके बाद फिर से स्कूल खोल दिया जाएगा। आज कोरोना वायरस का 1 सस्पेक्टेड केस डिटेक्ट हुआ है। वो सज्जन इटली से लौटे थे और किसी पार्टी में कुछ अन्य परिवार के लोग भी गए थे, और उसमें यहाँ के एक स्कूल के 5 बच्चे, जिसमें 2 उनके बच्चे थे, 3 अन्य बच्चे थे, ये भी गए थे। जब टेस्ट हुआ तो उसमें उन सज्जन का पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वो फाइनल टेस्ट अभी नहीं है। इसमें आप अवगत हैं कि 2 चरणों में टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट NCDC दिल्ली, हालांकि पूरे देश में 12 जगह फैसिलिटी है और हमारे यहाँ लखनऊ में फैसिलिटी है KGMC में। उसके बाद फाइनल टेस्ट हम NIV पुणे में कराते हैं। अभी इनका इनिशियल टेस्ट हुआ है। इसके बारे में आज उस विद्यालय में ही हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आपकी ब्रीफिंग कर दी थी। अब बिंदु आया कि हमने आपको क्यों बुलाया। इसमें एक जनरली कुछ ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं जो कि हमें लगा कि हम उसका तत्काल खंडन करें। रूमर जो आया है वो ये कि सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है, एक्सेप्ट वो विद्यालय जो 3 दिन के लिए सैनिटाइज किया गया है वो बंद किया गया है। और स्कूल में आ गए, स्कूल को हम लोगों ने ये एडवाइस किया कि उसको सैनिटाइज करा दें। सैनिटाइजेशन अब स्कूल में शुरू कर दिया है और जैसे ही सैनिटाइज हो जाएगा स्कूल तो फिर से दोबारा खोल दिया जाएगा। सर नोएडा में, सर नोएडा में औद्योगिक नहीं, स्कूल में ये एडवाइस किया गया है कि जब तक सैनिटाइज ना हो जाए तब तक किसी बच्चे को अलाउ ना। सर कितना वक्त लगता है सैनिटाइजेशन में? और दूसरा, जो स्टूडेंट्स है वो अंडर सुपरविजन है, कहाँ रखे गए और कब तक उनका टेस्ट होगा? सारे बच्चों ने यही कोशिश की है कि वो घर पे ही रहें, तो सारी फैमिली इन्वॉल्व है तो सब लोग घर पे ही क्वारंटाइन। कितनी फैमिली? उधर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ के शास्त्री भवन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में 23 सदस्यों की टीम का गठन किया गया और एक रैपिड एक्शन टीम भी आगरा रवाना की गई। ये बैठक हम लोग ने राज्य स्तरीय बैठक, उच्च स्तरीय बैठक का हम लोग ने इसलिए आयोजन किया था कि अंतर जनपदीय समन्वय बना के पूरे जनपद के अंदर जहां कोरोना वायरस से संबंधित जो पेशेंट आने, भविष्य में आने की संभावना है, उसको हम कैसे टैकल करें, कैसे डील करें, इसके लिए हम लोग ने ये मीटिंग रखा था अभी। जी जी। जहां तक लोग इससे इन्फेक्टेड के समस्या में, मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा कि एक परिवार यूरोप गया था छुट्टी में। जी जी। वो परिवार दिल्ली और आगरा के लोग आपस की रिश्तेदारी में, वहाँ से लौट के आए थे दिल्ली में। जी। दिल्ली में एक छोटा सा गेट टुगेदर किया था और आगरा में गेट टुगेदर किया था। जी। दिल्ली में जो लोग ने किया था उनको कुछ
इस फ्लू टाइप की बीमारी की वजह से वो हॉस्पिटल में अपना जांच कराने गए, जहां उनका लगा कि वो पॉजिटिव माने गए वहाँ। जी जी जी। तो उनके सैंपलिंग के बाद जब उनका पॉजिटिव हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ जी। आगरा के परिवार को हम लोग ने उसकी छानबीन की और 6 जिनको हमने केजीएमयू से जांच करवाया था उनके लैब से जी जी, जिसमें वो संदिग्ध कह सकते हैं या पॉजिटिव कह सकते हैं जी, वो पाए गए और उनको केंद्र सरकार के अनुरोध पर हमने उनको सफदरजंग ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ के हॉस्पिटल में जी। तो उनका इलाज अभी फ़िलहाल वहाँ चल रहा है। बाकी उस परिवार से जुड़े और लोग आगरा में जी, लगभग 7 या 8 लोग ऐसे लोग हैं, उनको उसी घर के अंदर हमने क्वारंटाइन कर दिया है, आइसोलेट कर दिया, वो बाहर नहीं जाएंगे जी। और उनको हम लोग देख रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं कि कितना उनका बढ़ता है या घटता है। सबके सैंपल सब मिला के उत्तर प्रदेश में आज के दिन सबके करीब 34 सैंपल हमने NIV पूना को भेजा हुआ है, वहाँ से जो भी रिपोर्टें आएंगी तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चीन में फैला जानलेवा कोरोना वायरस अब दुनिया के 68 देशों में फैल चुका है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 89,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। चीन के अलावा अब दक्षिण कोरिया, ईरान, इटली, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी अब कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है और इसकी दहशत देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। शुरू में चीन के वुहान में सी फूड होलसेल मार्केट से लोगों में संक्रमण हुआ। कोरोना वायरस से बचने के लिए अब तक कोई कारगर दवा का निर्माण नहीं हो सका। ऐसे में बचाव भी सबसे बड़ा उपाय है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में मास्क प्रभावी होते हैं। प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने और बीमारी के लक्षण दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौर और लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।